नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के कैबिनेट से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसका स्वागत किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी इस कदम को स्वागतपूर्ण बताया। उत्तराखंड सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में 25 अहम फैसलों पर मुहर लगाई। उसमें से दो फैसले राज्य के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो है नैनीताल हाईकोर्ट का हल्द्वानी शिफ्ट किया जाना, जो कि स्वागत योग्य है। बहुत लंबे समय से मांग थी नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की। इससे जहां एक ओर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जो जाम की स्थिति नैनीताल में झेलनी पड़ती है हमारे पर्यटकों को, सैलानियों को, उससे निजात मिलेगी। लेकिन हल्द्वानी में पूरी तरह से हाईकोर्ट सेटल हो, इसके अंतिम चरण तक निगरानी रखे जाने की जरूरत है। जहाँ सरकार और कांग्रेस इसका स्वागत कर रही है, वहीं इसका विरोध भी शुरू हो गया। दरअसल यूकेटी ने हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किए जाने को पहाड़ विरोधी फैसला बताया। इस संबंध में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने कहा कि नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट किया जाना पहाड़ी विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। ऐरी ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने वाली मानसिकता वही है जो राजधानी को गैरसैंण शिफ्ट किए जाने का विरोध करती है। आज ही हमको सूचना मिली है कि प्रदेश की कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि हाईकोर्ट जो अभी तक नैनीताल में से संचालित था, उसको हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है, ये कौन सी मानसिकता काम कर रही है पहाड़ के खिलाफ। ये वही मानसिकता है जो स्थायी राजधानी को, परमानेंट कैपिटल को गैरसैंण में जाने से रोकती रही है और राजधानी का मसला गैरसैंण बनाम देहरादून करके इन्होंने इसको उलझाया है। तो उसी मानसिकता के तहत नैनीताल के हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की बात हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि नैनीताल में ये हाई कोर्ट होने से कितना बड़ा नुकसान किसको हो रहा था, मुझे इसका आकलन नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ठीक है, नैनीताल में आपको हाईकोर्ट के संचालन में दुविधा हो रही है, असुविधा हो रही है, या किसी वर्ग विशेष को असुविधा हो रही है। तो सीधी सी बात हमारी ये है उत्तराखंड क्रांति दल की कि आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कीजिए और वहीं पर इस हाईकोर्ट को नैनीताल से गैरसैंण में शिफ्ट करिए। ये सही कदम हो सकता है पहाड़ के हित में, उत्तराखंड के हित में, और हम इसी के लिए आगे की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राजधानी के मसले को देहरादून बनाम गैरसैंण करके सरकार ने उलझाया। इसी मानसिकता के तहत हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की बात हो रही है। ये समझ से परे है कि हाईकोर्ट के नैनीताल में होने से किसको नुकसान हो रहा था। यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी नैनीताल में हाईकोर्ट के होने से है, तो सरकार को चाहिए कि गैरसैंण में राजधानी घोषित करें और हाईकोर्ट को भी गैरसैंण में शिफ्ट कर दें। उत्तराखंड हाईकोर्ट का अस्तित्व तो अब जल्दी हल्द्वानी में नजर आने वाला है। कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला हुआ और महत्वपूर्ण फैसले के चलते अब हाईकोर्ट शिफ्टिंग की बात हल्द्वानी में कही जा रही है, जिसका स्वागत जहां एक ओर सरकार में बैठे लोगों ने किया, वहीं इसका स्वागत अब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन जहां इसका स्वागत हो रहा है, वहीं यूकेडी जो क्षेत्रीय दल है वो कहीं ना कहीं इसका विरोध करता नजर आ रहा है। यूकेडी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये मानसिकता पहाड़ विरोधी मानसिकता है और अगर हाईकोर्ट को शिफ्ट करना है तो उसको स्थानांतरित करके गैरसैंण में लाया जाए। लेकिन अब जिस तरीके से यूकेडी सवाल उठा रही है, उससे अब खुद यूकेडी पर सवाल उठने लगे हैं कि अक्सर जिस पार्टी को इन मुद्दों को उठाना चाहिए, कई अन्य जो राज्य के जो मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए, उस वक्त यूकेडी खामोश रहती है, लेकिन सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए यूकेडी ऐसे मामलों को हवा देती नजर आती है। देहरादून से क्राइम पेट्रोल के लिए कैमरा पर्सन अफजाल के साथ कैलाश मिश्रा।